किया है। कल हमने डिस्कस किया था अपना वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल हमने बेसिकली डिस्कस किया था। हम एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि हमें उत्तर वैदिक काल करना है, ताकि आप दोनों में डिफरेंस देख पाए कि क्या डिफरेंस रहा ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जब कोई काल या कोई पीरियड हम हिस्टोरियंस जो है करते हैं कि आगे की क्या पीरियड है, जो आगे क्या चेंज हुआ उसके बाद नेक्स्ट पीरियड होगा, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे ये वैदिक काल है हमारा, ये हमारा दो भागों में बटा, एक को हमने बोला अग्नि वैदिक एज, एक हमारा है लेटर वैदिक एज। इसको आप ऋग्वेद एज भी बोलते हो, ऋग्वेदा एज, और इसको आप पोस्ट ऋग्वेदिक एज भी बोलते हो या पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, किस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग सतबीर, गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग मनु, गुड मॉर्निंग निशा। तो जो ये हमारा पीरियड है, ये जो है हमारा 1000 से लेकर 500 BC, सॉरी 1500 to 1000, 1500 to 1000 BCE ये आपका ये वाला पीरियड है। और उसके बाद जो आपका सेकेंड पीरियड है वो है आपका 1000 से लेकर 600 BCE या 500 BCE, ये आपका पीरियड है। गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग कृष्णा, करिश्मा सॉरी। तो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जब उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इन सब में चेंज होगा, तो ही एक पीरियड से हम बोलते हैं कि दूसरा पीरियड आ गया। यानी कि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है या वो राजनीतिक उनकी व्यवस्था है, वो कैसे अपना आजीविका कमाते थे, या फिर क्या और नए क्रिएट एंड अब शुरू हो गए, क्या सोशल लाइफ थी, अगर इसमें चेंज होता है तब हम बोलते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम पहुंच गए। गुड मॉर्निंग ज्योति, ठीक है। तो हमने क्या किया था कल, कल हमने किया था ऋग्वैदिक एज, उसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे अपना लेटर वैदिक एज। तो जो हमारा वैदिक एज है या हम जिसको बोल रहे हैं ऋग्वेदा एज, तो इसमें हमारे ऋग्वेद लिखा गया। वेदा का मतलब क्या होता है, वेद या वेदा का मतलब होता है, ये वर्ड जो निकला है वो विद से निकला है, और विद का अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना, यानी कि सुपीरियर नॉलेज। वेद का मतलब क्या है, सुपीरियर नॉलेज है। जो वेद शब्द है ऐसा माना जाता है मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग कि जो वेद है वो सबसे पहले किसने यूज किया था, वर्ड आर्यों ने यूज किया था। तो वेद ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में शुरू किया और लिख दिए गए, काफी टाइम तक इनको वर्बली कंपोज किया गया, यानी कि गाकर सुनाया गया, बताया गया लोगों को अपने, और इस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस तरीके से बताया गया और फिर इनको लिखा गया है। तो संस्कृत में ही वर्बली कंपोज किया गया है और संस्कृत में ही लिखा गया है। तो जो ये लिखा है इसको हम बोलते हैं अपूर्व सेया। ये जो वर्बली कंपोज था इसको हम बोलते हैं अपूर्व सेया, जो वर्ड इसके लिए यूज होता है अपूर्व सेया, यानी कि पहले इसको सुनाया गया फिर उसके बाद इसको लिखा गया है। जिस भी बच्चे को क्लियर नहीं दिख रहा है अपने पिक्सल बढ़ा लीजिए, सारा क्लियर है मेरी ओर से, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद में हमने डिस्कस किया था, ऋग्वेद में क्या है हमारा, ऋग्वेद में हमारे मंत्रास हैं, श्लोकास हैं, ऋग्वेद में कितने हैं, 1028 हाइम्स हैं, यानी कि श्लोक है या मंत्र है कितने हैं, 1028 मंत्र या श्लोक हैं। इसमें मंत्र और जो भी प्रेयर्स है, जो भी प्रार्थना गाई जाती थी भगवानों के लिए वैदिक एज में, किस किस को पूछते थे, जैसे इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, तो वो सारी जो प्रेयर्स हैं वो भी आपकी कहाँ है, ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ऋग्वेद जो है आपका, इसके ऐकरे और कौशिकीय, ये इसके ब्राह्मणास और क्या है, ये इसके आरण्यक है। इसके अलावा इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, जो किसके लिए है, आयुर्वेद आपका प्रजापति के लिए है, नमस्ते नवल।
यस नवन, ये क्लास आपकी रीड के लिए भी रहेगी। सीटेट, DSSSB, KVS, NVS, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इससे आपका जीके का पोर्शन भी क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रेयर है। इसके अलावा ये 10 मंडल में बटा हुआ है, 10 मंडल, 10 मंडल में से आपके 2 से लेकर 7 मंडल तो आपके लिखे गए हैं वैदिक एज में, और लेटर वैदिक एज में आपका 8, 9, 10 और पहला, ये आपके कब लिखे गए हैं, पहला मंडल बाद में लिखा गया है, ये कब लिखे गए हैं आपके, ये लिखे गए हैं आपके लेटर वैदिक एज में। तो हर एक मंडल का अपना अपना सिग्निफिकेंस है कि क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस हमने किया था। तो जो मंडल 2 है आपका, उसमें आपका ग्रीष्मद, तीसरे में गायत्री मंत्र है, तो जो थर्ड आपको वो ध्यान रखना है कि थर्ड में आपका क्या है, थर्ड में आपका गायत्री मंत्र है विश्वामित्र के लिए, जो है गायत्री मंत्र। चौथा वामदेव, पांचवा में आत्री है, छठे में भारद्वाज है, सातवें में वशिष्ठ है, आठवें में कणव ऋषि या आंगिरस है, नौवे में आपका सोम का वर्णन है, सोम जो पौधा होता था, पौधों का देवता मानते हैं, ये सोम मदिरा भी होती है, उसका वर्णन आपका नौवे मंडल में है, और दसवें मंडल में शुद्ध शुक्ति है, यानी कि जो 4 वर्ण सिस्टम है वो आपके कहां पर है, वो आपके शुद्ध शुक्ति दसवें मंडल में है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद में क्या था हमारा, सप्त सिंधु का वर्णन किया गया है, यानी कि सिंध और उसकी सहायक नदियां। तो कौन कौन सी नदी थी, हमने डिस्कस की थी, सिंधु का है वर्णन, सरस्वती का है, चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज। इसके अलावा अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान रीजन में भी आ रहा था, वहां पे कुंभा, जिसको कुंभा और कुरुण, ये दोनों नदियों का भी यहाँ पर वर्णन है। तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, यानी कि गग्गर इसी को बोलते थे, तो गग्गर भी इसको बोलते थे, और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे श्रेष्ठ बोला गया है, तो इसको नदी तमा भी बोला गया है, यानी कि सभी नदियों में ये श्रेष्ठ है। गंगा नदी को जाह्नवी के नाम से जानते हैं ऋग्वेद में, जिसका एक ही बार वर्णन है, और आर्यो शब्द का ऋग्वेद में 36 बार वर्णन है। ठीक है, चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज, सतलुज को बोलते हैं ऋग्वेद के अकॉर्डिंग चतुर्थी, चतुर्थी। ठीक है, व्यास को विपासा, ठीक है, आपकी झेलम, रावी और चिनाब, रावी को क्या बोलते हैं, परुष्णी, झेलम को वित्सता, चिनाब को अस्किनी। तो ये बस काफी सारे आपकी बुक्स, जिस भी बुक का आप प्रेफर करोगे उसमें हो सकता है काफी सारे नदियों के नाम दिए गए और उसमें बताया गया हो, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपने देखना है कि ऋग्वेद में ये नदी किस नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो आप आगे भी हिस्ट्री के चैप्टर पर रहेंगे, जिस भी बुक से आप प्रेफर कर रहे हो सकता है कई जगह पर कोई फेमस युद्ध है, जैसे सिकंदर के टाइम का युद्ध है, वहां पर वित्सता लिखा हो, अब आपको वित्सता समझना है तो वो झेलम है। जो भारत दसराज युद्ध है परुष्णी नदी पर लिखा हो, वो क्या है, वो आपकी रावी नदी है। तो ये चीजें भी आपने देख ली है। अब हम बात कर रहे थे आर्यों की, तो आर्य लोग कहां से आए, आर्य लोग सबसे पहले जो आपके आए वो कहां पे आए, आपके नॉर्थ वेस्ट रीजन में आए, और नॉर्थ वेस्ट रीजन में आने के बाद उन लोगों ने आपका नॉर्थ वाले का पहला तो नॉर्थ वेस्ट में आया आपका, नॉर्थ वेस्ट के बाद आपका गंगेटिक प्लेन, यानी कि आपके गंगा के ओर का एरिया, और उसके बाद उन्होंने कंप्लीट नॉर्थ को हथिया लिया, पूरे उत्तरी भाग में ये लोग फैल गए। तो आर्य जो है, आर्य का मतलब क्या है, सुपीरियर, श्रेष्ठ, ये अपने आपको बोलते थे हम सबसे अच्छे वर्ण के हैं। सबसे अच्छे वर्ण का मतलब जो लिटरली मीन है वो क्या है, फेयर कलर। और जो इंडिया के लोग थे, जहां पे आए यहाँ पे जो लोग थे उसको ये बोलते थे दास या दासु, दासूज या दासु, क्या ये बोलते थे, इसका मतलब क्या होता था, जो ब्लैक कलर है, ये वर्ण सिस्टम इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ था कि हम आर्य है तो हम सुपीरियर है, हमारा सबसे अच्छा कलर है, बाकी ये ब्लैक कलर के यहाँ पे दास और दासु के रहते हैं। गुड मॉर्निंग करण ज्योति। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहां पर थी। तो अलग अलग स्कॉलर्स ने बताया था कि कहां से आए हैं ये, सबसे जो फेमस है और जो सबसे मानी गई है वो किसने, मैक्स मुलर की, कि ये
मिड एशिया से आए हैं, एल्प्स पर्वत, अल्पाइन पर्वत के यहाँ से ये आए हैं। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? ये लैंग्वेज बोलते थे संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज किस फैमिली की है? ये है इंडो यूरोपियन फैमिली। एक फैमिली होती है उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकते हैं, जैसे इंडो यूरोपियन फैमिली है, इसमें आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, जापानीज भी है। तो ये सारी आपकी कहां पर है? सॉरी, स्पेनिश है। तो ये आपकी कहां है? ये आपकी इंडो यूरोपियन फैमिली है। इसी तरीके से एक और फैमिली जैसे द्रविड़ियन फैमिली, इसमें क्या है? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। तो ये सारी इसकी है। तो लैंग्वेज एक अलग है और फैमिली की मतलब उससे मिलती जुलती चीजें। जैसे कि हम इंडो यूरोपियन फैमिली का ये तो हिंदी में क्या बोलते हैं? माँ। इंग्लिश में मदर, संस्कृत में मातृ। तो सब में सिमिलरिटीज आपको दिखाई देगी। तो ये सारे एक ही फैमिली की लैंग्वेजेस है। गुड मॉर्निंग किरण। अर्चना, अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग के लेक्चर भी जरूर देखें। ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, 5-6 लेक्चर हैं जो आप स्टार्टिंग के इजीली कवर कर सकते हैं, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया है यहाँ पे। इसके बाद जो आर्यन है उनका मुख्य कार्य क्या था? सबसे पहला उनका कार्य था कैटल, पशुपालन। पशुपालन उनका सबसे मुख्य, सबसे फेमस कार्य था। उसके बाद सेकेंड नंबर पर उनका आता है एग्रीकल्चर, थर्ड नंबर पे कारपेंटर। इसके अलावा वो क्या बनाते थे? मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो पोल्ट्री भी था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा चैरियट्स भी बनाते थे। तो ये इसलिए थे। तो आर्य जब यहाँ पर आए, आर्य ऐसे अफगानिस्तान ईरान से घूमते हुए भारत में आ रहे हैं, तो उनकी सफलता का राज क्या है? एक तो उनके पास क्या है? घोड़े हैं, सेना है अपनी, तो ताकतवर है थोड़े से, क्योंकि घोड़े, हथियार, ये सारी चीजें जो कि अब तक इंडिया में इतना यूज नहीं हो रहा था, तो वो सारी चीजें हैं। इनके लिए गाय सबसे इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए क्या थी? गाय। तो मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा गाय वो सबसे ज्यादा वैश्य, सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो कैटल यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन था, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर आता है, तीसरे पे कारपेंट्री, यानी कि कारपेंट्री रथ है तो रथ बनाएंगे, घुड़सवारी करते वो सारी चीजें आपकी, हल वल बनाएंगे क्योंकि एग्रीकल्चर खेती करनी है तो वो सब चीजें, मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। अब एक बात बताओ, हमने अब तक जितना पढ़ा है पहले के लेक्चर में भी, क्या यहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन या नगरीकरण देखने को मिलता है? यस, जो कि उसमें भी आपका हेल्पफुल रहेगा। जितने भी हमने अभी तक लेक्चर किए हैं उसके बेसिस पे आप बताओ, क्या ये यहाँ पे काम हो रहे हैं? इसके मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है? क्या ये लोग सिटी में रह रहे हैं या ये लोग गांव में रह रहे हैं? कमेंट करके बताओ कि क्या लगता है आपको यहाँ पर, क्या ये लोग सिटी में है, अर्बनाइजेशन है क्या यहाँ पर? यस नो, उसको बोलो अर्बनाइजेशन है कि नहीं है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने हड़प्पा संस्कृति डिस्कस की थी कि कोई एरिया नगर कब बोलेंगे हम उसको, नगर की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है? 3 months में कंप्लीट होगी, मतलब हिस्ट्री आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, 3 months में आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज 7 बजे से आपका साइंस का लेक्चर भी शुरू हो रहा है, तो जो भी साइंस के बच्चे हैं वो भी अपने शुरू कर सकते हैं आज से। तो यहाँ पे नगरीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? एग्रीकल्चर भी आपका सेकंड है, सबसे पहला क्या है? कैटल। तो कैटल और एग्रीकल्चर मतलब यहीं पे लोग रहते हैं। नगर की डेफिनेशन क्या है? अगर 75% पॉपुलेशन आपकी नॉन एग्रीकल्चर में होगी, अगर ये वाले काम नॉन एग्रीकल्चर वाले काम 75% से ज्यादा होते तो ये यहाँ पे नगर होता, तो यहाँ पे नगर नहीं था। तो पहला हमारा जो नगरीकरण था वो हड़प्पा संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति पतन हो गया, उसके बाद एक बार लोग फिर से उठना शुरू करेंगे, आर्य आए, फिर से एक बार एग्रीकल्चर, फिर सारी चीजें ब्लूम होंगी, उसके बाद जाकर नगरीकरण आएगा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरवैदिक काल में नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, तो नगरीकरण के साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, लड़ाइयां भी होंगी,
दो तरीके की लड़ाई होंगी, एक होगी इंट्रा, एक होगी इंटर। ठीक है, इंट्रा मतलब आर्य वर्सेस आर्य, आर्य वर्सेस आर्य की लड़ाई होगी। इंटर मतलब आर्य वर्सेस नॉन आर्य की लड़ाई होगी। एक मैंने आपको कल भी बताया था, एक जो युद्ध फेमस है उसका नाम क्या है, दशराज युद्ध। कौन सी नदी पर लड़ा गया, परुष्णी पर। परुष्णी नदी का नाम क्या है, आज के टाइम पे रावी नदी है। दशराज क्यों बोलते हैं, दस जनों के बीच में लड़ा गया। जन क्या होता है वो भी अभी डिस्कस करेंगे, कंप्लीट में आपको बताऊंगी। तो दस जन या दस राजन के बीच में लड़ा गया, दस राजाओं के बीच में लड़ा गया। किस किस के बीच में हुआ, भरत, एक क्लैन थी, एक भरत जन था, एक ग्रुप था, ट्राइब थी, भरत और वर्सेस ये दस जो राजा थे इनके बीच में हुआ। तो आर्य में पांच जन फेमस है, उनको हम क्या बोलते हैं, पंचजन बोलते हैं। पांच जन, पांच जो है वो क्या थे, इसमें फेमस है आपके पांच जन। आर्य की पांच ट्राइब्स थी, वो बहुत फेमस थी, वो सबसे पॉपुलर थी, कि वो सबसे शक्तिशाली हैं। तो पंचजन थे यहाँ पर, ये पंचजन आपकी इसमें भी थी। तो भरत क्लैन का एक राजा था सुदास। सुदास ने क्या किया, अपने पुरोहित के पद पे से विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को बैठा दिया। अब विश्वामित्र को अपनी इज्जत फील हुई, उसको पुरोहित के पद से हटा दिया गया। तो उसने इन पांच जनों को इकट्ठा किया, प्लस पांच और जो छोटी छोटी क्लाइंट थी उसमें से पांच और जन को या पांच और राजाओं को इकट्ठा किया और इन सबको बोला इससे लड़ने के लिए, भरत क्लैन से लड़ने के लिए। तो ये दस, इन्होंने सोचा हम दस हम जीत जाएंगे, तो ये दस के दस यहाँ पर लड़े इनसे, भरत से। लेकिन विजय किसकी हुई, भरत की ही विजय हुई। ये आपका वैदिक काल का है, थैंक यू परम। ठीक है, ये आपका वैदिक काल का नहीं है। अब आगे क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अब आपकी भरत क्लैन सबसे फेमस होगी, जीत गई युद्ध भरत जन। इसके साथ जो पांच जन थे उसमें से एक थी पुरु, पुरु जन थी, पुरु क्लैन थी। तो ये भरत और पुरु आपस में संधि कर लेंगे, आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके नाम क्या दे देंगे, कुरु दे देंगे, कुरु जन बोल देंगे। अब ये जन ऐसे नहीं थे कि एक ही जगह पर बैठे थे, ये जन क्या थे आपस में, क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्या करते थे बेसिकली, आगे छोटा छोटा सबका ग्रुप था, मतलब एक फैमिली है, फैमिली का ग्रुप है, फिर विलेज है, विलेज का ग्रुप है, और वो विलेज का ग्रुप बनके क्या है, उनका कबीला है, उनका जन है। ठीक है, तो जो भी कबीला कमजोर होगा शक्तिशाली उस पर अटैक करेगा और उनसे सारी गायें ले लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनको क्या लगता है कि गाय इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ी अमीर है जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है। तो इसी तरीके से ये लोग करते थे। तो यहाँ पर भरत और पुरु, पुरुजन हो गई। अब ये पुरुजन चलते चलते कहां जाएगी, दोआब के क्षेत्र में। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का स्थान, तो गंगा और यमुना के बीच के स्थान में जाएगी। अब ये आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर एक और क्लैन है, यहाँ पर कौन सी क्लैन है, यहाँ पर आपकी पांचाल है, यहाँ पे ये कुरु आ गई, यहाँ पे आपकी पांचाल भी है। तो कुरु के साथ पांचाल भी मिल जाएगी, नाम कुरु ही रहेगा लेकिन कुरु के साथ पांचाल मिल जाएगी। इस कुरु क्लैन का आपको साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र यानी कुरुओं का क्षेत्र, वो इसी कुरुओं के नाम पर रखा गया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का नाम। और ये साक्ष्य आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, महाभारत में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, महाभारत में, इसी साक्ष्य आपको मिलेंगे, महाभारत में आपको कुरुक्षेत्र का वर्णन मिल जाएगा। आप इनकी मेटीरियल लाइफ कैसी थी, कैसे रहते थे ये लोग। सबसे पहले तो वॉर में सक्सेस थे, लड़ाइयों में जीतते थे, क्यों, क्योंकि घोड़े हैं, हथियार हैं, ठीक है, जो शक्तिशाली लोग मानते थे अपने आप में, वैसे ही लड़ाई इनका काम था, क्योंकि जो कमजोर क्लैन है उसमें लड़ाई करनी है, उसकी गाय को हथियार लेना है, तो लड़ाई में महारत हासिल थी और इसीलिए ये लोग ज्यादा जीतते हैं। यस परम ज्योति, यूपी टेट में भी आपका ये काम आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कवर हो रहे हैं। हिंदी स्टार्ट है, हिंदी आपकी 12 बजे होगी, टाइम टेबल मैंने आप लोगों को भेजा था। 10 बजे जो ये क्लास है वो आप सोशल साइंस वाले, जिसका सीटेट यूपी टेट रीट पे सोशल साइंस है वो वाले, प्लस जिसका भी पीजीटी हिस्ट्री है वो वाले लोग भी, पीजीटी या पीजीटी हिस्ट्री, और इसके अलावा जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे उसमें आपका जीके का पोर्शन आता है, तो वो सारे लोगों को ये वीडियो देखनी है, ये सारी, ठीक है। 12 बजे आपका टॉपिक कौन सा होता है, हिंदी हम कवर करेंगे,
पांच बजे हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट जीके से। काफी लोगों को लूसेंट जीके आसान लगती है, इजी लगती है, तो लूसेंट जीके को हम समझना स्टार्ट करेंगे। और 7 बजे हमारा, क्योंकि ये सुपर सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए, आप सीटेट यूपीटेट रीट में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका साइंस और मैथ है, तो साइंस की क्लास आज से आपकी 7 बजे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े सबके पास आ चुका है टाइम टेबल। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको भी व्हाट्सएप में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, हाय तनुज, उत्तराखंड में यार आपका जीके का आ जाएगा, लेकिन उत्तराखंड जीके नहीं कवर करवा रही हूं मैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, तो उत्तराखंड जीके आप अपने आप से कर सकते हैं, बाकी सारी चीज आप यहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ और इंग्लिश, ये भी आपके धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपकी 4 क्लासेस शुरू है, उसका फायदा उठाए, उसके बाद बाकी भी आपके धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, कमेंट्स में बाद में क्लास मिलेंगे। ठीक है, और इनका क्या था, हमने देख लिया कि जीतते क्यों थे, ऑक्यूपेशन देख लिया कि पहले पशु, फिर खेती, फिर लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, चैरियट्स बना रहे हैं, कॉपर था इस टाइम पे, तो कॉपर के लोग काम कर रहे हैं, लेदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो रही थी। अब क्या है, ये जंग क्या है, इसको हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे जो बेसिक यूनिट थी वो क्या थी, कुल बोलते थे, कुल, या हम उसको बोलते थे फैमिली। ठीक है, फैमिली के बाद आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ठीक है, पहले तो कुल, हम उसको बोल रहे हैं कुल, जो सबसे मेन यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है वो है फैमिली, यानी कि कुल, ये आपकी बेसिक यूनिट है। तो ग्रुप ऑफ फैमिली को हम बोल रहे हैं विलेज या फिर ग्राम। अब जो एक ग्राम है, इस ग्राम का हेड कौन है, वो है ग्रामीणी। ग्राम का हेड कौन है, ग्रामीण। अब जो ये है, ग्रुप ऑफ फैमिली से बन गया हमारा, फैमिली से बन गया ग्रुप ऑफ फैमिली, जिसको हम बोल रहे हैं विलेज या ग्राम, और उसको हम बोल रहे हैं हेड कौन है, ग्रामीण। अब विलेज का ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ विलेज, उसको हम बोलते हैं वासु, विशु। ग्रुप ऑफ फैमिली को आप क्या बोल रहे हैं, विशु। और विशु का जो हेड है वो क्या है, विशु का हेड है विश्वपति, विश्वपति ग्रुप ऑफ विलेज का हेड है। अब ये ग्रुप ऑफ विलेज को हम बोल रहे हैं जन, जो हम बोल रहे थे ना पांच जन, तो ये जन क्या है, ये इस प्रोसेस से होकर जन बनी है। इसको आप ट्राइब भी बोलते हो, कबीला भी बोलते हो, तो ये आपका है। ठीक है, तो जन ये यहां तक आपका बन गया है, ये हाईएस्ट आपकी पॉलिटिकल यूनिट है। फैमिली सबसे छोटी, जिसमें 4-5 लोग हैं वो फैमिली है, फिर ग्रुप ऑफ फैमिली को हम बोल रहे हैं विलेज, या बहुत सारी फैमिली इकट्ठी होगी तो वो क्या बन गया, विलेज बन गया, ग्राम बन गया, गांव बन गया। उसके बाद बहुत सारे गांव इकट्ठे बन गए तो वो विशु बन गए, और विशु बना के एक उनका पूरा अपना अपना कबीला बन गया, अपना जन बन गया। ठीक है, जो इनकी फैमिली है वो कैसी है, ट्राइबल चीफ को, जो ट्राइबल का चीफ होगा, जो आपका क्या है जन बन गया था, जन के चीफ को आप क्या बोलेंगे, राजन बोलेंगे या गोपत बोलेंगे, क्योंकि राजा है तो सबसे ज्यादा गाय होगी, तो गोपत बोलेंगे, और उसकी वाइफ को बोलेंगे महिषी, वाइफ को क्या बोलेंगे, महिषी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो राजा था वो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, जो राजन है यहाँ पे नो हेरिडिटरी पोस्ट, यहाँ पे हेरिडिटी पोस्ट नहीं है। जो जन के लोग होंगे वो आपस में देखेंगे कि कौन सबसे शक्तिशाली है, कौन हमारे गांव की रक्षा कर सकता है, उसको बना देंगे कबीले का सरदार, यानी कि राजा, जिसको आप गोपत या राजा बोलते हैं यहाँ पे। तो अब चुन के गया है, तो अब जो जन के लोग है इसको इससे बना के भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बना के नहीं रखा, इसमें घमंड आ गया तो 2 मिनट में इसको नीचे उतार देंगे कबीले के सरदार के पद से, किसी और को बना देंगे। तो इसको एक तो सबसे मिला के रखनी है। अब इसके पास कोई आर्मी नहीं है, कोई भी अलग से स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, आपस में बस चुन गया है, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो आर्मी इसके पास नहीं है। आर्मी जो बनेगी वो जो जन
थे तैन बनने पे वही इसकी आर्म बन जाते थे। अब आर्मी क्यों नहीं रखी गई है, क्योंकि पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है, खेती तो कर रहे हैं, नगरीकरण तो है नहीं, तो पैसे कहाँ से आएंगे, गांव है, गरीब सा है, बस खेती कर रहे हैं और कोई साधन नहीं है, तो पैसे नहीं है तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो रहा है, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो आर्मी को क्या देंगे। तो ये सब सारा कंसेप्ट आपको इस तरीके से आप समझना है, ना तो कोई स्टैंडिंग आर्मी है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है कि कोई अपना एडमिशन कोई प्रशासन देख रहा है, और ना ही कोई टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि पैसे ही नहीं, नगरीकरण नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ड्यूटीज क्या है इस ट्राइबल चीफ की, इसकी क्या है ड्यूटीज, ये ड्यूटीज है इसकी कि जो भी गायें हैं, जो भी उनकी जमीन है, उनकी रक्षा करना है, अपनी कबीलों की रक्षा करना है, और अपने कबीले की तरफ से, अपने जन की तरफ से भगवान को प्रार्थनाएं करनी है, ठीक है, ये करनी है। इसको आप असिस्ट कौन कौन करेंगे, एक तो सेनानी असिस्ट करेंगे और एक पुरोहित असिस्ट करेगा। तो पुरोहित क्या है, पुरोहित वो है जो इसके लिए पूजा करेगा, इसके जन के लिए वो इसके लिए पूजा करेगा, तो उसको गाय देनी पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा ना, गिफ्ट आपके पास है नहीं, पैसे है नहीं, तो आप इसको गाय दोगे। और यहाँ पे सेनानी कौन है, जन के ही लोग हैं। तो जैसे ही कोई मान लो जी कोई एक जन था कमजोर सा, उसने उन्होंने अटैक किया, उनकी सारी गायें गए, तो ये सारी गायें अब ये डिसाइड नहीं करेगा बैठ के कि गाय किसके पास जाएंगी, इसके लिए चार समितियां होती थी, सभा, समिति, गण और विदर्भ। तो इस तरीके की ना सभा समिति होती थी, तो कहां पे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें आपकी डिस्कस की जाएंगी सभा में कि किसको कितनी मिली है। ऑब्वियसली राजा तो थोड़ी पूजा का ले ले, पुरोहित ने भी पूजा कर लिया, चलो पुरोहित भी ले लो, बाकी जो बच गए सेनानी भी आपस में बांट लेंगे। तो सभा क्या होती थी, सभा की मदद से ही ये सारे डिसीजन लेता था, खुद के इसके कुछ डिसीजन नहीं होते थे। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होती थी, यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों होती थी, यहाँ पे कम देखने को मिली है यहाँ पे भी। तो फीमेल को एक अच्छी सी पोजीशन थी, फीमेल भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, फीमेल भी इस टाइम पे फीमेल पोइट्स मिली है, कवयित्री मिली है, तो फीमेल की यहाँ पे जो एक तरीके से बहुत ही अच्छी पोजीशन थी। ऋग्वेद में भी काफी सारी ऐसे जो बनाए गए हैं, तो वहां पे भी फीमेल है जो स्पीकर है, फीमेल है कि फीमेल किसी से पूछ रही है या फीमेल जवाब दे रही है किसी चीज का, तो ऋग्वेद में भी आपके स्पीकर कहाँ है, फीमेल भी है। तो सभा समिति गण विधर्भ, गण में आपका और विधर्भ में आपका क्या होगा, आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, गण में आपके मिलिट्री डिसीजन लेने हैं, तो ये सारी समितियों में कुछ ना कुछ आपके डिसीजन लिए जाते थे। अब हमें क्या देखना है कि फैमिली कैसी थी, फैमिली कैसी थी, फैमिली को एक बार हम समझते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म भी है, जैसे कि वर्षपति, वर्षपति जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है, जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है उसको हम बोल रहे हैं वर्षपति, जो गांव की रक्षा करता है वो गोपत है। अब हम फैमिली देखते हैं कि फैमिली कैसी है, यहाँ पे एक तो फैमिली जो है ना वो पितर सत्तात्मक है, यानी कि फादर हेड है यहाँ का, मेल हेड है, जैसे आजकल भी होता है ना उसी तरीके से क्या है, फीमेल नहीं है, मेल यहाँ पर हेड है, पिता सत्तात्मक है, और यहाँ पे क्या है, ज्वाइंट फैमिली रहती है, काफी सारे लोग एक साथ ही रहते हैं, कोई फैमिली का हेड है, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, काफी सारे फैमिली हेड यहाँ पर रहते हैं। महिलाओं की दशा अच्छी है, महिलाओं की दशा काफी अच्छी है, ना तो यहाँ पे सती प्रथा है, ना यहाँ पे पर्दा प्रथा है, ठीक है, और यहाँ पे जो विधवा है उनको भी दोबारा शादी करने का मौका है, विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है। जो आदमी है वो एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है, यानी कि पॉलीएंड्री, एक से ज्यादा विवाह कर सकता है आदमी, बाल विवाह भी नहीं है, बाल विवाह भी नहीं है यहाँ पे। जो मैरिज होती है वो आपकी ज्यादातर 16 और 17 में एज होती है यहाँ पे, तो बाल विवाह यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, बाल विवाह भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। महिलाओं की दशा अच्छी है, महिलाएं यज्ञ में भी भाग लेती हैं, महिलाएं यज्ञ में भाग लेती हैं, और जो यज्ञ होते हैं वो किसके लिए होते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, यानी कि गायें हैं उसे और ज्यादा
स्वास्थ्य सही रहे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़के के लिए यहाँ पर होता है कि जो है आपकी लड़के के लिए होती है। तो प्रेयर्स आपकी जो होती है वो किसके लिए होती है, ब्रेव लड़का पैदा हो, अच्छा सा मतलब जो कबीले का सरदार बनने योग्य हो, इस तरीके से यहाँ पर ये फैमिली। यहां तक हमने रिवाइज किया अपना वैदिक काल, रिवाइज क्यों किया क्योंकि अभी हम एमसीक्यू पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो लोग बाद में भी जुड़े हैं उन सबको सारी चीजें यहाँ पे याद रहे। सोशल डिविजन की अगर हम बात करें, मैंने आपको कल भी बताया था कि लार्जली लेवल पर सोशल डिविजन नहीं था। ऐसे नहीं है कि तू ब्राह्मण है, तू पुरोहित है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, ऐसा नहीं है। डिविजन किस बेस पे था, एक तो रंग के बेस पे था, हम आर्य है हमारा सफेद रंग है, तुम दास हो तुम्हारा काला रंग है, तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्शंस पे था इनका डिवीजन। दूसरा डिवीजन किस पे था, तेरे पास कम गाय है मेरे पास ज्यादा गाय है, तो उसपे तो बूटी बूटी बोलते थे गाय को, उनकी जो सबसे ज्यादा गाय जिसके पास है वो सबसे ज्यादा अमीर है, जिसके पास कम है वो गरीब है, तो इस बेसिस पे उनका डिवीजन था। सोशल डिवीजन एक अलग लेवल पे नहीं देखने को मिलता था जो यहाँ पर है, ठीक है। तो ज्यादातर एग्रीकल्चर करेंगे, उसी से सब कमाएंगे। अब बात करते हैं रिलीजन की, धर्म। रिलीजन में सबसे पहले नंबर पर आता है इंद्र, दूसरे नंबर पर है अग्नि, तीसरे नंबर पर है वरुण। ये पर्सोनिफाई करते थे नेचुरल पावर को, यानी कि ये प्रकृति को ही एक आदमी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में पूछते थे। ये सबसे पहले इंद्र, इंद्र का मतलब क्या होता है, पुरंदर, जो कि किलों का नाश करता है, या फिर इंद्रदेव पानी के देव, वर्षा करते हैं, तो इंद्रदेव यानी यहाँ के बादल के देवता इनको मानते थे। ये इनका सबसे प्रमुख गोड़ था, ऋग्वेद में भी सबसे ज्यादा बार इंद्र के बारे में लिखा गया है। दूसरे नंबर पे थी अग्नि, अग्नि का काम क्या होता था, जो भी ये यज्ञ करेंगे, जो भी ये हवन करेंगे, भगवान तक उनकी प्रार्थना को कौन पहुंचाएगा, अग्नि पहुंचाएगी, कि धरती से हम जो काम कर रहे हैं वो ऊपर भगवान तक अग्नि पहुंचा देगी। तीसरा क्या था, वरुण देवता थे। वरुण देवता का काम क्या था, वरुण देवता का काम था कि जितने भी नेचुरल चीजें हो रही हैं उनका आपको संरक्षक बनाते रहे। अब आपका ही काम है, सूरज टाइम से निकल रहा है, चांद समय से निकल रहा है, तो ये सारे काम किसके हैं, जो भी नेचुरल प्रोसेस है वो सही से हो रहे हैं, वो किसका काम है, वरुण का, वरुण देवता का काम है, तो ये यहाँ पर बना दिया गया था। और वरुण इसके अलावा किसका है, वर्ष का, पानी का भी देवता था। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारा खत्म होता है कौन सा पीरियड, हमारा वैदिक एज। अब हम पढ़ते हैं अपने लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में क्या क्या डिफरेंसेस हुए। लेटर वैदिक एज में एक तो हमारा अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हमने डिस्कस कर चुके थे, हम कल ही डिस्कस कर चुके थे ये सारी चीजें, वो मैं यहाँ पर दोबारा से रिवाइज नहीं कर रही हूँ। हम यहाँ पे एक दो और चीजें आपने जोड़नी है, एक महाभारत गीता और रामायण गीता, ये एपिक भी जुड़ेंगे। तो महाभारत की रचना किसने की, रामायण की रचना किसने की, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, महाभारत किसने लिखी है और रामायण किसने लिखी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि महाभारत और रामायण के रचयिता कौन है। बोलो, कुछ तो पता होगा, महाभारत और रामायण किसने लिखी है। रामायण वाल्मीकि ने, और महाभारत किसने लिखी है, वेद व्यास ने। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, तो हम इसको बोलते थे जय संहिता। जय संहिता का मतलब क्या होता है, यानी कि विजय संबंधित डॉक्यूमेंट, जो जीत हुई है उसके संबंधित डॉक्यूमेंट क्या है, हमारे जय संहिता में है। उसके बाद इसको इसमें जो हुए 24,000, इसमें फिर हमारे 24,000 हुए, और फिर 1,00,000 हमारे आज इसमें श्लोक है, 1,00,000 इसमें श्लोक है। इसको क्या बोलते हैं, सत सहत्र संहिता। तो यहाँ पे हमने इसको 24,000 पे बोला भारत, और ये पूरा 1,00,000 हो गया, तो हमने इसको क्या बोला, महाभारत, ठीक है। ये वर्ड्स आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब हम
लेटर वैदिक एज की अगर बात करें तो लेटर वैदिक एज में काफी चेंजेस हुए। तब तक क्या था कि लोग खेती पर थे, लोगों के लिए आयु के लिए क्या थी, गाय सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके पास सबसे ज्यादा काव वही सबसे ज्यादा मील। यहाँ पे गाय इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही, यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बन गया। उस टाइम पे क्या करते थे, यज्ञ करते थे लोग। तो क्या किस चीज से यज्ञ करते थे, गाय है हमारे पास, चलो दूध ऑफर कर दिया, घी ऑफर कर दिया, इससे यज्ञ करते थे। अब यहाँ पे बलि सिस्टम आ गया है कि हम जानवरों की बलि देंगे। तो बलि जो सिस्टम आया वो आपके उत्तर वैदिक काल में आया है, पोस्ट ऋग्वैदिक एज में आपका बलि सिस्टम आ गया है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर पोल्ट्री जो थी वो एक तो आपकी ब्लैक रेड वेयर भी था, यानी कि काले और लाल रंग के भी आ गए, पेंटेड ग्रे वेयर भी था, पेंट किए हुए भी थे ग्रे कलर के, वो भी आ गए। और एक और आपका ब्लैक पॉलिश, जो ज्यादातर अमीर लोग थे ना उनके पास क्या था, ब्लैक पॉलिश एकदम चमकदार पूरा काले रंग की थी, ठीक है। ब्लैक पॉलिश भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मेटल वर्क आ गया, यहाँ पे आपको आयरन मिल गया, लोहा मिल गया, कॉपर भी है, ब्रॉन्ज भी है। तो लोहे के हिसाब से आपके उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। लोहा आ गया तो लोहे के औजार बन गए, लोहे के औजार बन गए तो धरती को साफ करना आसान होगा, खेती करनी आसान होगी, तो वो आपके यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बढ़ गया, पशुओं को रखना थोड़ा सा कम हो गया, अब उनके लिए गाय इंपोर्टेंट नहीं है, अब एग्रीकल्चर यहाँ पे इंपोर्टेंट रह गया। अब लोग जब एग्रीकल्चर रहेंगे तो एक जगह पर रहेंगे, तो हमने उन लोगों को क्या बोल दिया, जनपद। जन आप लोगों ने समझ लिया था क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ विलेज है, इस तरीके से आपका जन है। पद का मतलब क्या होता है, फुट, जहां पे उन्होंने अपने पैर रखे, यानी कि अब उन्होंने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया, तो ये क्या बन गया, हमारे जलपद बन गए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया। पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंज हुए, यहाँ पे क्या था पॉलिटिकल लाइफ में आपके वैदिक काल में, वहां पर क्या था कि आपका जो राजा था ना वो चुना जाता था। अब यहाँ पे राजा ना हेरिडिटरी पोस्ट हो गया, एक राजा बन गया बस, अब तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, हेरिडिटरी पोस्ट हो गया आपके राजा की। अब राजा की हेरिडिटरी पोस्ट है तो क्या उसको किसी की मानने की जरूरत है, उसको पता है मेरा ही बेटा राजा बनेगा, तो कोई सभा समिति ये जो होती थी वहां पे विदर गण किसी की बात नहीं मानने वाले राजा, क्यों, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, बनना है मेरा बेटा ही राजा बनेगा, तो उसको पता है हेरिडिटरी पोस्ट है, राजा मेरा बेटा ही बनेगा। अब पहले तो मीटिंग्स में फीमेल को भी कर लेते थे कि मेल भी तो जन का हिस्सा है, अब राजा किसी की मान ही नहीं रहा तो वुमन की एंट्री भी बंद हो गई मीटिंग्स में, नो वुमन पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स। कोई भी मीटिंग हो, चाहे राजा किसी भी चीज के लिए मीटिंग बनाए, अब औरत नहीं आएंगी तो औरतें पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, जबकि पिछली बार में क्या था, यज्ञ में भी औरतें बैठती थी और मीटिंग्स में भी औरतें बैठती थी, अब यहाँ पे किसी भी मीटिंग में कोई भी फीमेल नहीं बैठेगी, ठीक है, वोमन नहीं बैठेगी, सभा समिति नहीं होगी, हेरिडिटरी पोस्ट है। अब ये जो हेरिडिटरी पोस्ट है, जो हम बोल रहे हैं हनुमान जी के उसका बेटा राजा बनेगा, कैसे बन जाता था, नहीं उसके लिए यज्ञ होता था। अब तीन चार पांच में यज्ञ के नाम है, वो आप देख लो, एक है हमारा राजश्रेय यज्ञ। राजश्रेय यज्ञ में क्या होता था, राजश्रेय यज्ञ का मतलब है कि जब कोई भी राजा अपना स्थान ग्रहण करेगा सिंहासन पे बैठा जाएगा, तो इस यज्ञ से क्या होता था, इस यज्ञ से ये माना जाता था कि राजा को दिव्य शक्ति मिलती है, जो भी राजा है उसको दिव्य शक्ति मिलती है, ये आपके राजस्व यज्ञ में माना जाता था। ये पहले एक साल तक चलता था, लेकिन उसके बाद में सिर्फ तिलक लगाकर काम चलाना जाते हैं। पहले तो जब स्टार्टिंग में शुरू किया, एक एक साल तक बस राजा सिंहासन पे बैठने के लिए दिव्य शक्ति ले रहा है तो ऐसा होता था, उसके बाद में बस तिलक लगाया, सेरेमनी खत्म हो गई जी। एक और था अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता था, इसमें हवन किया, यज्ञ बिठाया, बहुत सारे पंडित आए, सबने अपने मंत्र मंत्र बोले और एक घोड़ा लिया, उसको पूरा अच्छे से सजा वजा दिया कि ये इस राजा का घोड़ा है, वो एक साल तक घूमता ही रहेगा, एक साल तक वो जहां जहां जिस जिस एरिया में जाएगा, अगर उस एरिया के राजा ने उसको नहीं रोका, उसको चेतावनी नहीं दी, तो चुनौती नहीं दी, तो क्या हो जाएगा, वो एरिया जिस राजा का घोड़ा है उसका हो जाएगा। अब क्या घोड़ा अकेला जाता था, नहीं, 400-500 सैनिक जाते थे उस घोड़े की रक्षा करने।
करने के लिए कि बीच में कोई भी चुनौती देगा तो उससे आपको लड़ाई करनी पड़ेगी और लड़के उसका आपने राज्य लेना है, या जो जिसको पास होने जाना है कि वो आराम से मान गया कि हाँ मेरा राज्य मैंने आपको दे दिया है, अगर आप चुनौती देना चाहते हो तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता था यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ में। फिर उसके बाद जब घोड़ा आ जाता था एक साल के बाद, 3 दिन यज्ञ करते थे और उस घोड़े की हत्या कर देते थे, वही अश्वमेध यज्ञ खत्म हो जाता था। तो यहाँ पे नो हॉर्स किलिंग है, यहाँ पे कोई घोड़ा नहीं मरेगा राष्ट्रीय युद्ध है, यहाँ पे हॉर्स किलिंग है, जो घोड़ा होगा उसको बाद में मार भी दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय। एक होता था वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, वाज यानी शक्ति, शक्तियों का पान, शक्तियों का पान। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, यह आपका 17 या 18 दिन चलता था। इसमें रथों की रेस होगी, रथों की दौड़ होगी और जो रथ जीत जाएगा वो राजा बन जाएगा। तो अब राजा की चल रही है, सब सारी पावर राजा के पास है, अब उसके पास आर्मी भी आ गई है, वो टैक्स भी ले रहा है, तो सब लोग उससे डरेंगे। तो अब यहाँ पे जो वाजपेयी यज्ञ चलेगा 17-18 दिन, उसमें वो जिस घोड़े जिस रथ को चाहे उसको जिता सकता है, बाकी को चुप करवा दिया जाता था और जिसको राजा बनाना होता था उसको जिता दिया जाता था। तो ये कुछ चेंजिंग है और ये कुछ नए यज्ञ हैं जो यहाँ पर आपके आ गए हैं। पहले क्या होता था कि ज्यादातर लोगों के पास, सबके पास गाय है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, बट मोरेवर और लेस सबके पास लगभग बराबर सी ही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले राजन के पास वैध होगी, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, राजन है, उसके बाद अमीर कौन है, पुरोहित है, पुरोहित के बाद क्या है, कॉमन पीपल पर जाए फिर वो अमीर है। ये जो अश्वमेध यज्ञ करता था ना ये पुरोहित, 24,000 गाय ले जाता था, 24,000 गाय एक अश्वमेध यज्ञ करने की ले जाता था। तो यहाँ पे पुरोहित का भी अच्छा स्टैंड था, सबसे अमीर तो राजा ही होगा, राजा के बाद पुरोहित, पुरोहित के बाद कॉमन पीपल होगा, तो ये इनका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, जब मैंने आपको बता दी है, अब यहाँ पे 4 वर्ण बन गए, जो हम 4 वर्ण बनते ना वो यहाँ पर बढ़ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों वर्ण यहां पर आपके बन गए। ये चारों वर्ण क्या करेंगे, ब्राह्मण तो क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, भगवान देवता को मनाएगा, यजमान के लिए पूजा पाठ करेगा, जो भी क्षत्रिय बोलेगा उसके लिए पूजा पाठ करेगा। इसको क्या चाहिए होता था बदले में, इसको चाहिए होता था या तो आप गाय दे दो या आप पैसे दे दो, ये वुमन स्लेव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, वुमन स्लेव दे दो तो वो यहाँ पे चाहिए होता था। क्षत्रिय जो सभी लोगों की रक्षा करेगा, लड़ाइयां करेगा, अपने राजा को बचाएगा, टैक्स वसूल करेगा और लोगों की रक्षा करेगा। वैसे खेती का काम है या फिर आपका पशुपालन है या फिर कोई भी शिल्पकार है, कोई भी काम है, कौन करेगा, वैश्य करेगा। शूद्र क्या करेगा, इन तीनों वर्णों की रक्षा करेगा। तो ये चारों के चारों शूद्र वर्ण कहाँ पे है, ऐत्रेय में भी वर्णन है। ऐत्रेय क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण या आरण्यक है, उसमें ये डिस्कस किया गया है। इसके अलावा एक तो 4 वर्ण यहाँ पे डिस्कस है। इसके अलावा यहाँ पर जो बेटी होती है, जो लड़की होती है, उसको यहाँ पर दुखों का कारण बोला गया है, दुखों का कारण बोला गया है, धरती को ऐत्रेय में भी बोला गया है। ठीक है, ऐत्रेय में क्या बोला गया है, दुखों का कारण बोला गया है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, और ऐत्रेय से हमें पता चलता है कि जो ब्राह्मण था वो क्षत्रिय से बहुत सारे इनाम लेता था, बहुत सारे गाय लेता था, बहुत सारी डिमांड करता था किस चीज के लिए, यज्ञ करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फैमिली की बात करते हैं, हमने वहां पे फैमिली की बात कर दी, पितर सतात्मक थी और चीजें वो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली वहां पे भी क्या थी, पितर सतात्मक थी, यहाँ पर भी पितर सतात्मक ही है, यहाँ पर भी पितर सतात्मक ही है। मेल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेल है फैमिली का,
वो हेड होगा। लेकिन अब लड़कियों की नजर इतनी अच्छी नहीं रही, यहां पर सती प्रथा आ गई, ठीक है, सती प्रथा आ गई। लड़कियों को अब अपनी पसंद से वर चुनने का अधिकार नहीं है, वहां पर था, वहां पर लड़कियां यज्ञ में भाग लेती थी, यहां पर भी लेती हैं, लेकिन मीटिंग्स में भाग नहीं लेती है, कोई भी अपना डिसीजन नहीं ले सकती है। यहाँ पर लेडीजों का काम एक ही था, आपको घर पर रहना है और अपना काम करना है, घर संभालना है, वो चीजें यहाँ पर आपकी इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे आदमियों को और ज्यादा पावर मिल गई और लेडीजों की पावर यहाँ पर छिन गई। तो जो सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं की दशा किस टाइम पे अच्छी थी, वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, तो वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर लोगों को ना गोत्र सिस्टम आ गया था, वर्ण सिस्टम के साथ साथ गोत्र सिस्टम आ गया था। गोत्र सिस्टम मतलब एक ही एंसेस्टर से काफी लोग आ रहे हैं, तो जैसे हमारा गोत जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो यहाँ पर गोत के रिगार्डिंग अब हो गया था। पहले था कि हमारा जन, हमारा कबीला, अब क्या हो गया, हमारे गोत्र, हमारे गोत्र की लड़कियां दूसरे गोत्र सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकती, तो ऐसा हमारे कुल की लड़कियां सेम कुल में, अलग कुल में शादी कर लेंगे, इस तरीके का यहाँ पे आ गया था, गोत्र सिस्टम ज्यादा आ गया था। तो एक तो था हमारा अनुलोम, एक प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का मतलब क्या है, जो मेल है वो ज्यादा उच्च जाति का है, फीमेल है मेल से नीचे जाति की है। प्रतिलोम में मेल नीचे जाति का है, फीमेल उच्च जाति का है। तो यहाँ पे ये चीजें जो है बहुत ही कम देखने को मिलती थी, बहुत ज्यादा विरोध होता था। एक्सट्रीम केस में ये वाली तो फिर भी एक्सेप्टेड थी कि मेल हो सकता है कि भाई ऊंची जाति का हो, लेकिन फीमेल ऊंची जाति की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये प्रतिलोमा व्यास, अगर जिसने प्रतिलोमा प्रेम कर लिया उसकी शादी नहीं हो सकती, अनुलोम है तो उसकी फिर भी चल सकती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे गोत्र आ गया, और यहाँ पे फिर आश्रम भी देखने को मिलता है। आश्रम, आश्रम ब्रह्मचार्य, ग्रस्त जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचार्य, इसके बाद क्या होगा, गृहस्थ जीवन जीना है, इसके बाद वन की ओर प्रस्थान कर देना है, इसके बाद क्या होगा, संन्यास लेना है। ये बताया गया है 25-25 साल के लिए कि 25 से आपको ये करना है, फिर अपने 25 साल में आपको ये करना है, और अपने 25 साल में आपको ये करना है, ठीक है। ब्रह्मचारी मतलब आपको ब्रह्मचारी का पालन करना है अपने 25 साल तक, फिर आपने गृहस्थ जीवन, आपने पूरा अपना आपको गृहस्थ की ओर अपने आपको झुका देना है। यहाँ पे त्रिसूत्र थे, त्रिसूत्र में कैसा होता था, त्रिसूत्र में आपका है सबसे पहले तो आपको पुत्र की प्राप्ति करनी है। तीन सूत्र थे यहाँ पे, एक तो आपको वैदिक ग्रंथ पढ़ने हैं सारे, ग्रंथ जीवन का मतलब क्या था, तीन सूत्र वैदिक ग्रंथ पढ़ने हैं, दूसरा पुत्र प्राप्ति करनी है, तीसरा यज्ञ करवाने हैं। ये थे आपके ग्रंथ जीवन के काम, ये तीनों आपको करवाने हैं, फिर उसके बाद आप भक्ति और प्रस्थान कर जाएंगे अपने एनलाइटमेंट की खोज में, उसके बाद आप संन्यास लेंगे 75 से 100 तक। ये एक तरीके से माना जाता था कि आपका ये काम है, जो आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी, आपका ये काम है। अब ये जरूरी नहीं कि हर किसी को ये पालन करना है, ये सिर्फ ये है कि हाँ भाई ये नियम है एक इंसान के, जब वो इंसान इस जमीन पर आता है, इस धरती पर आता है, जन्म लेता है, तो ये नियम है कि इसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वन की तरफ प्रस्थान और फिर संन्यास। लेकिन मानना ना मानना आपके ऊपर है, ऐसा कोई स्ट्रिक्टली नहीं था कि उस टाइम पे हाँ जी 25 साल के हो गए तो शादी करो, अब आप 50 साल के हो गए तो चलो वन को चले जाओ, 75 के हो गए चलो संन्यास ले लो, ऐसा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता था, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब रिलीजन की बात करें तो उस टाइम पे हमारे रिलीजन पे कौन थे, इंद्र, अग्नि और वायु, यहाँ पे नहीं रहे वो, उन देवी देवता की पूजा न करके यहाँ पे जो मेन आ गए वो कौन कौन आ गए, प्रजापति, रुद्र, विष्णु, प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ये यहाँ पर ज्यादा आ गए। तो रुद्र देवता हमारे क्या है, जो हमारी पशुओं की रक्षा करेगा, रुद्र देवता क्या है, गॉड ऑफ एनिमल, पशु
मनुष्यों की रक्षा करेगा। हम सबकी जो इंसान है उनकी रक्षा कौन कर रहा है, या क्रिएचर है, ये गॉड ऑफ क्रिएचर कौन है, प्रजापति है। और विष्णु किसकी रक्षा कर रहा है, विष्णु जो रक्षा कर रहे हैं हम लोगों की, लोगों की रक्षा हमारे विष्णु यानी कि नारायण भगवान करेंगे। रुद्र जानवरों का देवता है और गॉड ऑफ क्रिएचर जो भी चीजें क्रिएशन हुई है उनका देवता कौन है, प्रजापति है। यहाँ पर भी मंदिर नहीं थे, वहां पर भी मंदिर नहीं थे, यहाँ पर भी कोई आइडल या मूर्ति बनाकर पूजा नहीं की जाती थी, वहां पर भी नहीं की जाती थी, यानी कि वैदिक काल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे क्या चेंज आया, वहां पे जब यज्ञ करते थे वहां पर हम दूध घी ये ऑफर करते थे, यहाँ पर बलि देने का सिस्टम आ गया है, यज्ञ और ज्यादा होने लग गए हैं। वहां पर यज्ञ थे कि हमें भगवानों को खुश करना है, यहाँ पे यज्ञ करने का मतलब क्या था, मुझे दिखाना है मैं कितना बड़ा यज्ञ कर सकता हूँ, मैं कितने पुजारी को बिठा सकता हूँ, मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर हूँ, मेरा कितना हो रहा है, ये सारी चीजें आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली। अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, ये चैप्टर हमारे यहाँ पर खत्म हो गया है, उत्तर वैदिक काल और लेटर वैदिक काल छोटा सा देख लेते हैं। अब हमने पढ़ा ऋग्वेद और पढ़ा लेटर वैदिक एज या पोस्ट ऋग्वैदिक एज, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं हम, ठीक है। ये डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें वैदिक टेक्स्ट की, कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई वैदिक टेक्स्ट। यहाँ पे ऋग्वेद लिखा गया, यहाँ पे कौन कौन से आ गए, सामवेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, अथर्ववेद आ गया, उपनिषद भी आ गए, आरण्यक भी आ गए, ब्राह्मण संहिता आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी यहां पर लेटर वैदिक एज में लिखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें मेटीरियल लाइफ की, मेटीरियल लाइफ, मेटीरियल लाइफ यहां पे क्या था हमारा, यहां पे क्या था, पेस्ट्रल लाइफ थी, यानी कि पशुपालन ज्यादा करते थे, यहां पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो गया, यहां पे कॉपर के औजार ज्यादा थे, यहां पर आयरन ज्यादा हो गया, ठीक है। ये यहां पर डिफरेंस है इसके मेटीरियल लाइफ में। इसके बाद पॉलिटी, राजनीति क्या हुए, यहां पे लोग रहते ही थे एक स्थान पर, यहां पर लोग सेटल्ड हो गए, ठीक है। यहां पे कोई शार्प डिवीजन नहीं था कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र, यहां पे ये फॉरवर्ड सिस्टम आ गया, ठीक है। फोर वर्ल्ड सिस्टम यहाँ पर आ गया, यहाँ पर कोई शार्प डिविजन नहीं था, ठीक है। तेरे पास घर है, तू अमीर है भाई, मैं गरीब हूँ, ठीक है। तेरा रंग गोरा, अच्छा ठीक है, मान लिया तू आ रहा है, मैं नॉन आ रहा हूँ, मैं यहीं का हूँ, इंडिया का हूँ, मैं दास हूँ, ठीक है। ये था यहाँ पर पॉलिटी। लेकिन यहाँ पर चार वर्ण सिस्टम आ गए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये चार वर्ण कहाँ पर आ गए हमारे पॉलिटी में, हमारे इंडियन प्रकार के चुने गए। और सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में काफी चेंजेस आए, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, यहाँ पे वुमेन की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ना सती पड़ता है, ना पर्दा पड़ता है, ना बाल विवाह है, मीटिंग से भाग ले सकते हैं, अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, लेडीज की बुद्धि चलती है, लेडीज पोएट भी है, लेडीज स्पीकर भी है, सब काम कर सकती है। यहाँ पर भाई घर संभालना है, यहाँ पे उन क्या है, घर संभालना है, बाल विवाह भी होगा, सती प्रथा भी होगी, पर्दे में भी रहना है, घर का काम करना है, कोई बाहर नहीं जाना है, अपनी पसंद से वन नहीं चुन सकते हो, मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हो, बस घर का काम करना है। ये वुमन की कंडीशन यहाँ पर हो गई थी। यहाँ पर भी क्या था, ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान देनी है। फिर इसके अलावा क्या है यहाँ पर, यहाँ पर था हमारा जन्म, मेरा जन्म है, मेरा कबीला है, मुझे सब काम अपने कबीले के लिए करना है। यहाँ पे क्या आ गया, गोत्र, कोई जन्म जी मेरे गोत्र है, मेरी गोत्र की लड़की है, ऐसा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, मेरा गोत्र, मेरे सारे काम किसके लिए है, मेरे गोत्र के लिए हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, मेरा कबीला हम सबको मिलकर रखना है भाई, हमारा कबीला कोई लड़ाई ना कर दे, कोई बाहर से आक्रमण ना कर दे, यहाँ पर भाड़ में जाए कबीला, मेरा गोत्र है, मैं अपने गोत्र के अकॉर्डिंग काम करूंगा, मेरी सारी जिम्मेदारियां मेरे गोत्र के प्रति है। गोर्स, आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, हाँ, गोर्स, गोर्स क्या है, यहाँ पर कौन था, यहाँ पे इंद्र है, वरुण है, अग्नि है। यहाँ पे गोर कौन कौन आ गए, यहाँ पे गोर कौन है, अब
रक्षा रुद्र कर रहा है, उसके अलावा विष्णु है, विष्णु कौन है, विष्णु आत्मा की रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन करते फटाक से, किन पॉइंट्स के ऊपर हम इनको डिफरेंस कर रहे हैं। हम बोले वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में हमारा ऋग्वेद लिखे गए, और उसके बाद हमारे लेटर वैदिक एज में हमारे बाकी तीनों के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो सारी चीजें हमारी कहां पर लिखी गई, वो हमारी लिखी गई लेटर वैदिक एज में। आर्यनाथ, उपनिषद, ब्राह्मण, संहिता, ये सारी आपके कहां पर लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई आपके लेटर वैदिक एज में। उसके अलावा वहां पर महाभारत और आपकी रामायण भी आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मेटीरियल लाइफ में क्या है, यहाँ पे आपकी पैसा लाइफ है, यहाँ पे बस लोग हैं, पशुपालन कर रहे हैं, गाय ही सबसे इम्पोर्टेंट है, गाय को ले रहे हैं, चलाते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर करते जा रहे हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका मेन हो गया है, यहाँ पे आपके पास कॉपर था, यहाँ पे कॉपर ब्रॉन्ज प्लस आयरन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। पॉलिटिक्स में क्या है, यहाँ पे कोई शार्प डिसीजन नहीं था, कोई अलग से तू ब्राह्मण कुछ नहीं है, तू ठीक है, तेरे पास ज्यादा गाय है ठीक है, तेरा रंग सफेद है ठीक है, बस यही डिविजन था। यहाँ पे चार वर्ण आ गए, तू ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये चार डिविजन आपके यहाँ पर आ गए। सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे वुमन की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, सती प्रथा नहीं है, पर्दा प्रथा नहीं है, बाल विवाह भी नहीं होगा, मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे आप, सब चीजें कर सकते हो जो एक आदमी कर सकता है, आप मीटिंग्स में भाग ले सकते हो, आप स्पीकर हो, आप कवि कवित्री हो, पोएटिंग लिख सकती हो। यहाँ पे भाई वुमन एक घर का हिस्सा ही है, आपको सिर्फ घर का काम करना, आप बाहर नहीं जा सकते, मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अपनी पसंद से अपना पति नहीं चुन सकते, पर्दा प्रथा सती प्रथा सब बुराई है यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जन है, मेरी सोसाइटी क्या है, मेरे लिए मेरा कबीला है, मेरा जन है, सारी चीजें मेरा जन है। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर गोत्र आ गया, अब कुछ काम नहीं, बस जो मेरा गोत्र मुझे अलाउ करेगा, जो मेरा गोत्र कहेगा वो मैं यहाँ पे करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने आश्रम भी पढ़ा था, वो भी आप यहाँ पे एक बार नोट कर लेना, यहाँ पे आश्रम आ गया था। आश्रम का मतलब क्या है कि 25 साल तक आप ब्रह्मचारी रहो, फिर 25 साल तक आप गृह जीवन जियो, फिर अगले 25 साल तक आपको वन की ओर प्रस्थान कर जाना है, और अगले 25 साल आपको संन्यास ले लेना है। जो आपका गृह जीवन था उसके आपके तीन कार्य इंपोर्टेंट है, वो क्या है, आपको एक तो वैदिक संहिता जो आपके वेद है ये सब चीज आपने पढ़ लेने हैं, ये आपके गृह जीवन का प्रथम सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या है, पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, लड़की हो या ना हो कोई काम नहीं है, पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, यहाँ पे ये दूसरा सूत्र था आपका। तीसरा सूत्र क्या है कि आपको यज्ञ करवाने चाहिए, तो वो आपका आश्रम सिस्टम आ गया था। उसके बाद अगर हम बात करें भगवान की, यहाँ पर इंद्र, वरुण, अग्नि, इन भगवान देवताओं की पूजा की जाती थी। इंद्र सबसे फेमस था, फिर वरुण, फिर अग्नि था, फिर वरुण था। अग्नि का काम क्या था कि जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं भगवान तक पहुंचाना हमारी बात है, और वरुण का काम क्या था कि जो भी नेचुरल चीजें हो रही है उसका आप प्रोटेक्टर हो, संरक्षक हो, उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या काम था, प्रजापति क्या है, जो भी गॉड ऑफ क्रिएचर्स बोला जाता है इसको, रुद्र एनिमल्स का गॉड है, और विष्णु हमारे आम लोगों की नारायण, उसकी पूजा करते हैं। मंदिर कहीं पे भी नहीं थे, मंदिर मस्जिद ये कोई भी नहीं थे, आइडल वर्शिप भी नहीं थी, मतलब कोई भी मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करता था यहाँ पे, ये सारी चीजें हैं। नगरीकरण कहीं पर भी नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है, एक ऐतरे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जैसे वहां पर ऐतरे में लड़की को क्या बोला गया है, लड़की को बोला गया कि दुखों का कारण है, ये बोला गया ऐतरे में। चार वर्ण सिस्टम में कहा पता चलता है, ऐतरे में पता चलता है, ऐतरे से यह पता चलता है कि पुरोहित जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड करते थे यज्ञ करने के लिए। इसके अलावा इस टेक्स्ट में हमने और क्या पढ़ा था, हमने राजसूय यज्ञ पढ़ा, यानी कि जब एक राजा अपनी गति पर ग्रहण करेगा तो उसके लिए राजसूय यज्ञ होगा, एक अश्वमेध यज्ञ होगा जो कि आपका एक साल के लिए चलेगा, जहां जहां घोड़ा जाएगा वो राजा का एरिया हो जाएगा। इसके अलावा वाजपेयी यज्ञ था जिसके थ्रू राजा चुना जाएगा, ये सारे चीज होते थे। इसके अलावा एक अग्निष्ठ होम होता था, अग्निष्ठ होम, इसका मतलब क्या था, सिंपल यज्ञ करना भगवान को खुश रखने के लिए, ये होता था। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है, वैदिक एज एंड ऋग्वैदिक एज। थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस करते हैं अगर आप लोग मूड में हैं तो। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये आपको बताना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, ऑप्शंस है 3, 4, 6 या 9। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, ये आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि किस वेद में है गायत्री मंत्र, वो आपको बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से।
थर्ड मंडल में क्या है गायत्री है, चौथे में क्या है वाम, छठे में क्या है भागवत, नौवे में क्या है सोम। ठीक है, ये मंडल है, इन मंडल में क्या है वो आपको देख लेना अपने बुक्स के अकॉर्डिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गायत्री मंत्र है ये किस देवी के लिए है, सावित्री के लिए। ठीक है, किस देवी के लिए है, सावित्री के लिए। आदमी पूछा जाए तो विश्वामित्रा का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला इंसान कौन था, इंद्र था, अग्नि था या वरुण, या इनमें से कोई नहीं। डी सी बी ए, सबसे ज्यादा किसको पूजा जाता था, इंद्र, अग्नि, वरुण या इनमें से कोई नहीं, किसकी पूजा सबसे ज्यादा की जाती थी ऋग्वेद के टाइम पे। आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, किसकी पूजा की जाती थी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जिसकी पूजा की जाती थी वो इंद्र था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अग्नि आता था, तीसरे नंबर पे वरुण आता था, ऋग्वेद की बात हो रही है। ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा है, ऋग्वेद में क्या है, सैक्रिफाइसेस के बारे में है, कैसे यज्ञ करने हैं, कैसे मंत्र है, कैसे प्रार्थनाएं हैं। सामवेद में क्या है, उन मंत्रों को कैसे गाना है, कैसे पोएट्रिक वे में आप उसको गा सकते हो, वो आपका सामवेद में है। इसके अलावा यजुर्वेद में क्या है, कैसे यज्ञ करना है, कितने बाय कितने इंची का हवन होगा, किस साइड फेस करके बैठते हैं, ये आपका यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में जादू टोना और बाकी जो भी प्रोसेस है, रिचुअल्स के प्रोसेस है, वो आपके अथर्ववेद में है। ठीक है, ऋग्वेद में एक फेमस लेडी है, वो उसका नाम आप याद रख लेना, गार्गी। गार्गी एक पोएट्री एक कवित्री फेमस नहीं है ऋग्वेद से, उसका नाम क्या है गार्गी है, वो आप याद रख लेना गार्गी। ठीक है, इसके अलावा प्रमोटर कौन था योगा फिलोसफी को, जो योगा फिलोसफी है उसको प्रमोट करने वाला वैदिक एज में कौन था, पतंजलि। याद रखना, रामदेव से याद रखना, पतंजलि योगा, तो योगा को प्रमोट कौन कर रहा था, पतंजलि। Which was forbidden in Rigveda society? Rigveda society में क्या नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, सती प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, तो ये सारी चीजें आपके Rigveda में नहीं थी, जो कि पोस्ट वैदिक एज में जाके आपके पास आएंगी। विद का मतलब क्या होता है, विद का मतलब होता है टू नो नॉलेज, यानी कि सुपीरियर नॉलेज। ठीक है, आर्यन कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। जो मंडल है, कौन कौन से मंडल वैदिक एज में लिखे गए थे, दो से लेकर सात लिखे गए थे पोस्ट वैदिक एज में, फिर आपका पहला सात आठवां नौवां दसवां या आपके पोस्ट वैदिक एज में लिखे गए थे। ठीक है, बैटल ऑफ टेन किंग्स जो हुई थी वो किसको लेकर हुई थी, वो लैंड डिस्प्यूट कैटल्स को लेकर हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा सैटरडे संडे तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही एमसीक्यूज, जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक टर्म्स हिस्ट्री की क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, हड़प्पा संस्कृति डिस्कस कर चुके हैं, पाषाण काल डिस्कस कर चुके हैं, और आज के चैप्टर के बाद हमारा वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में हमारे ऊपर खत्म हो जाता है। कल हम डिस्कस करेंगे महाजनपद पढ़ेंगे हम, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे। तो हमने हड़प्पा से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, 8447410108 ये नंबर है हमारा, इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो डेली टाइम टेबल जो हमारा है, 10 बजे आपकी सोशल साइंस यानी कि जीके की क्लास आपकी होगी, या आप पीजीटी पीजीटी हिस्ट्री ले रखा है तो भी आप यही क्लास ज्वाइन करेंगे। 12 बजे आपकी हिंदी होगी, 5 बजे आपकी लूसन जीके होगी, और 7 बजे फिर आपकी साइंस होगी। ये टाइम टेबल है, सभी बच्चों को मिल चुका है। और 9:30 बजे विजय सर पॉलिटी की क्लास लेते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं वो क्लास देख सकते हैं। 3 महीने का हमने टाइम रखा है, जून तक हम सारा सिलेबस कवर कर देंगे। सो डोंट वरी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट, यूपीटेट, रीट, केवीएस, एलवीएस या फिर DSSSB या EMRS की वैकेंसी है, सभी एग्जाम में आपका ये पोर्शन कवर होगा। चाहे FSSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका ये पोर्शन कवर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं 12 बजे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।